Hello everyone, welcome to you again in the new session. This is the lecture number 2 of Fundamental of Electrical and Electronics. In the previous lecture, we see the syllabus of Unit 1st and we also see the active component and passive component. We also see the differences between active and passive component. These are the components of electronics. So, diode, transistor and SCR are the active component, whereas resistor, inductor and capacitor are the examples of passive component. Let's start with the Ohm's law. We already know that what is Ohm's law, because in a standard 10th or 12th we have already learned, but we revise the Ohm's law. So Ohm's law किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, वो करंट और वोल्टेज के बीच, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच वो संबंध स्थापित करता है, यानी कि संबंध बताता है. तो ओम्स लॉ होता क्या है, एक्चुअली ओम्स लॉ कहता क्या है? तो ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि किसी एक फिक्स तापमान पे, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी चालक के अंदर जो धारा प्रवाह हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि किसी एक फिक्स तापमान पे धारा जो प्रवाह हो रहा होगा किसी भी चालक के अंदर वो समानुपाती होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर. तो ये इक्वेशन है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि, और ये कंडीशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि किसी भी फिक्स तापमान पे I जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के. और वी कैन ऑल्सो राइट V इक्वल टू R इंटू I. अब यहाँ R क्या है, R हमारा हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R. जो ऊपर के इक्वेशंस हैं उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो समानुपाती है पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का. तो यही नीचे हम ये पॉइंट बता रहे हैं, फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि करंट जो होगा वो समानुपाती होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, और करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेजिस्टेंस का. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट ओम्स लॉ. वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. सो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का, चालक का प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने पे. जब उससे फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज तो उसको क्या करेगा, आसानी से फ्लो होने नहीं देगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच
it opposes the electric charge through it is called resistance. यानी कि वो प्रॉपर्टी कंडक्टर का जो क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है चार्ज के, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश को प्रवाह होने से, उसी हफ्ते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होगा उस समय वो क्या करेगा, अपोज करेगा यानी विरोध करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट. अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को अगर हम न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो उसको क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट, यानी कि V अपॉन I. तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट इक्वेशन में R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. अब ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा लंबाई पे, कंडक्टर के मोटाई पे यानी थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि वो कंडक्टर या चालक किस धातु से बना है, और उसके टेम्परेचर पे उस यानी कि उस कंडक्टर के तापमान पे. तो ये हमारा फैक्टर्स हो गया जिसपे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, निर्भर कर रहा है, लंबाई पे निर्भर कर रहा है, थिकनेस पे कंडक्टर के एंड नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर. अब हमें क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देख रहे हैं कि आते कैसे, जैसे कि अगर SI यूनिट का मात्रक का अगर देखा जाए रेजिस्टेंस का, तो उसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा, यानी कि ग्रीक लेटर ओमेगा, इसको हम ओम भी बोलते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू R. R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I. अब ये वैल्यू जो आएगा, रेशियो का वैल्यू, वही क्या हमें देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा. अब वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं, ओम में. तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मैंने देख लिया. अब किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मैंने ये जाना कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसके थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड यानी कि किस धातु से बना है वो कंडक्टर या चालक, और उसके तापमान पे. मैंने ये जाना कि SI यूनिट यानी कि SI मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का, वो हमारा हो गया ओमेगा, और उसके अनुसार एक ओम्स लॉ के अनुसार हमने ये जाना कि रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, वो अनुपात होगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ये वो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा. अब हम देखते हैं ग्राफ. ग्राफ हमारा जो है वो है किसके किसके बीच, करंट और वोल्टेज के बीच. करंट और वोल्टेज के बीच में हमारा ये जो ग्राफ जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, वो हमारा है स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन कब बनता है हमारा, किसी भी
दो क्वांटिटी अगर है, यानी हम किसके किसके बीच हम इसको मेजर कर रहे हैं, ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं वो है हमारा वोल्टेज वर्सेस करेंट, यानी करेंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ को हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब ये वोल्टेज और करेंट के बीच में जो ग्राफ हम बनाए हैं वो कैसा है, वो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कब बनता है, तो कोई भी जो दो क्वांटिटी है, जब दो क्वांटिटी समानुपाती होते हैं यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, तभी वो दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यानी कि इफ द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग करेंट वैल्यूज आई, द ग्राफ इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग और उसी के संगत करेंट वैल्यू आई के अक्रॉस, तो ग्राफ हम कैसे पा रहे हैं, हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से। और स्ट्रेट लाइन कब मिलता है, जब केवल और केवल इफ द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जब कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के समानुपाती होंगे तब। तो इससे हमें क्या कह सकते हैं कि देयर फॉर द करेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन से दैट करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ जो है वो है स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करेंट और जो है समानुपाती होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस डिपेंड जो कर रहा था वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर यानी कि थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, वी कैन ऑल्सो से नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट मीन्स किस धातु से बना है वो हमारा चालक, और चालक के तापमान पे। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स, यानी कि किस किस फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी कैन ऑल्सो राइट आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। सो दिस इक्वेशन प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर यानी कि वो जो धातु है हमारा कंडक्टर वो किस मटेरियल से बना है, आइदर इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का उस चालक का तापमान पे ये निर्भर करेगा हमारा रेजिस्टेंस। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी लर्न अबाउट द रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करता है मटेरियल को। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ विच अ मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि जो वो धातु है
जिससे हम करंट पास करा रहे हैं वो कितने प्रभाव से उस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, यानी कि कितने पुरजोर तरीके से वो विरोध कर रहा है उस धारा को प्रवाह होने से, उसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर आर ये रो जो है वो रो ही हमारा रेजिस्टिविटी है। यानी कि ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द लेंथ, इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर इज मेड अप फ्रॉम विच मटेरियल, आइदर इट इज मेड अप फ्रॉम कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर डिफरेंट, सो द रेजिस्टिविटी इज मेनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स विच इज मेड अप फ्रॉम, नेचर ऑफ द मटेरियल वी कैन से। सो दिस इज द कंडक्टर, आवर कंडक्टर एंड दिस इज द एंड ए इज द एरिया एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट फर्स्ट।